प्रिय साथियों नमस्कार। साथियों, यू डैश पोर्टल HDMS 2024-25 में डाटा एंट्री का प्रोसेस का कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथियों, आपका अपना चैनल राजेश सिंह टीचर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत बंदन अभिनंदन है। साथियों, यू डैश पोर्टल पर आज के वीडियो में ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट कैसे देखें। साथियों, स्टेप बाय स्टेप हमारे वीडियो को आप सभी देखेंगे। स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट कैसे देखें, उसे कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। ओके साथियों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले वीडियो देखने से पहले साथियों, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। साथियों, यू डैश पोर्टल HDMS पर सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी, छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करना है। सबसे पहला काम आपको कर लेना है साथियों, यहाँ पे साथियों प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य जो है आप कक्षा उन्नत करेंगे छात्रों को। इसके बाद दूसरा काम साथियों ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तीसरा काम PN नंबर देना अगले विद्यालय के लिए जो आपका अंतिम छात्र है, अंतिम क्लास का छात्र है। यदि आपने उसे TC लिफ्ट विद TC किया है तो उसे PN नंबर अन्यथा विद्यालय को आपको देना है। और चौथा काम है एड न्यू स्टूडेंट, यानी आपके विद्यालय में जो नए छात्र हैं उन्हें आपको एड करना है। ओके साथियों, एड करने के बाद सभी क्लास के छात्रों को GP EP FP, GP का मतलब होता है जनरल प्रोफाइल, EP का मतलब इनरोलमेंट प्रोफाइल, और FP का मतलब फैकल्टीज प्रोफाइल। ओके साथियों, सारे डिटेल आपको कंप्लीट करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे साथियों। इसके पहले हमने जो है प्रोग्रेशन एक्टिविटी, छात्रों को प्रमोट कैसे करें, इसके संबंध में हमने वीडियो अपलोड किया है चैनल पर। हमारी वीडियो को आप सभी अवश्य देखें। तो साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे अंतिम कक्षा के छात्रों को, यदि आपने प्रमोट कर दिया है अपने विद्यालय का जो अंतिम छात्र है, अंतिम क्लास का छात्र, जैसे मान लीजिए प्राइमरी लेवल का छात्र है तो उसका अंतिम क्लास 5 है, यदि मिडिल क्लास है तो उसका अंतिम क्लास 8 है, यदि हाई स्कूल है तो उसका अंतिम क्लास 10 है, यदि हायर सेकेंडरी है तो उसका अंतिम क्लास 12। ओके साथियों, तो जो आपके अंतिम क्लास का छात्र है उसे आपने जो है TC लिफ्ट कर दिया है, ड्रॉप बॉक्स न्यू छात्र जो है आपका चला गया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट कैसे देखें, यानी जो आपने जो है छात्रों को TC प्रदान किया है यू डैश पोर्टल पर, उन छात्रों की लिस्ट आप ड्रॉप बॉक्स में कैसे देखेंगे। तो साथियों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय साथियों, सबसे पहले अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जो है किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करें। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र पे हमने क्लिक किया, गूगल के सर्च बार पे आप टाइप करेंगे U-Plus। जैसे U-Plus सर्च करेंगे साथियों, यहाँ पे नीचे U-Plus.government.in इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओके साथियों, जैसे क्लिक करेंगे साथियों U-Plus का पेज ओपन होगा। साथियों, दाहिने साइड में एक ऑप्शन है लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओके साथियों, क्लिक करने के बाद लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में यहाँ पे तीन ऑप्शन ओपन है साथियों, प्रोफाइल फैकल्टीज, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पे आपको कार्य करना है साथियों। यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, सबसे पहले अपने राज्य को सेलेक्ट करेंगे आप, आपका जो भी राज्य है मध्य प्रदेश हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं साथियों। उसके बाद गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे U-Dash पोर्टल HDMS लॉगिन का पेज ओपन होगा साथियों। सबसे पहले यूजर आईडी आप फिल कर दें, अपने विद्यालय का U-Dash कोड, इसके बाद पासवर्ड फिल कर दें। ओके साथियों, और यहाँ पे इसके बाद कैप्चा कोड फिल करना साथियों। जैसा कि यहाँ पे कैप्चा कोड दिया गया है वही कैप्चा कोड आपको फिल कर देना है, जैसा कि आप सीधे देख पा रहे हैं। इसके बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यह नया पेज ओपन होगा साथियों, U-Plus HDMS स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे दो विंडो है 2023-24 2024-25। ओके साथियों, सबसे पहले 2024-25 इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज, यहाँ पे आपके विद्यालय का जो है प्रोफाइल जो है ओपन है साथियों। सबसे पहले इसे आप चेक कर लें, इसके बाद क्लोज बटन पे क्लिक कर दें। ओके साथियों, स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज 2024-25। अब यहाँ पे जो है स्कूल डैशबोर्ड का पेज प्रदर्शित हो रहा है साथियों। आपके द्वारा जितने भी छात्रों का जो है प्रमोट किया गया है सभी का लिस्ट यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। जैसे यहाँ पे दिया है टोटल एनरोलमेंट, टोटल बॉय कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं, टोटल ट्रांसजेंडर। ओके साथियों, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है आज के वीडियो में हम बताएंगे साथियों कि यदि आपने जो है अंतिम क्लास के छात्रों को जो है लिफ्ट किया है, लिफ्ट विदाउट TC, तो ड्रॉप बॉक्स में वो छात्र चले गए हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट कैसे देखें। ओके साथियों, तो यहाँ पे साथियों यहाँ पे सबसे पहले जो है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे साथियों।
इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऑप्शन है साथियों ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ओके साथियों, इस ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस प्रकार जो है नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए टोटल एनरोलमेंट, अब ये देखिए लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स, आपके विद्यालय का जो है यहाँ पे डैश कोड प्रदर्शित हो रहा है, आपके विद्यालय का नाम यहाँ पे। ओके साथियों, ये रहा जो है हमारे विद्यालय के, ये पाँचवीं क्लास के छात्र हैं जिन्हें हम जो है इन्हें टीसी प्रदान कर दिया है साथियों, लिफ्ट विद टीसी इन्हें प्रमोट कर दिया है नेक्स्ट क्लास में। और प्रमोट करने के बाद ये सारे जितने भी छात्र हैं सभी छात्रों की सूची जो है ये ड्रॉप बॉक्स में चली गई। ओके साथियों, तो इस तरह जो है ड्रॉप बॉक्स की सूची है साथियों, बहुत ही आसान तरीके से इसे आप जो है ड्रॉप बॉक्स की सूची आप देख सकते हैं मेरे द्वारा जो ये पाँचवीं क्लास के छात्र हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों। यहाँ पे स्टूडेंट का यहाँ पे नाम दिया गया है, स्टूडेंट का पीएन नंबर, एडमिट किया 2024-25, लिफ्ट लास्ट क्लास यहाँ पे देखिए 5 दिया है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लास्ट क्लास 5। और इसके बाद जो है पिता का नाम, और यहाँ पे जो है स्कूल प्रोग्रेशन, लिफ्ट स्कूल विथ प्रोग्रेशन। ओके साथियों, तो इस तरह जो है आप जो है अपने विद्यालय के भी छात्रों की सूची जो है ड्रॉप बॉक्स की आप इस तरह देख सकते हैं। ओके साथियों, आशा और विश्वास है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा साथियों, तो फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। ओके साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।